और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से। मायावती ने बड़े गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर लगाए। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से। अखिलेश यादव पर यह बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में है। बीते रोज ही अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर टिप्पणी की थी और उसके बाद में अब मायावती ये पलटवार कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से। विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसके साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुणे यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं।